जय हिंद बंधुरा, आशा करी अपनारा भालो आछेन। आमी आपनादेर बंधु एक्स सोल्जर फिरदौस मंडल, आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, कोई एक फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चन किया है, क्या सर ट्रेनिंग सेंटर में किसी का पा किसी का टांग टूट जाएगा तो क्या ट्रेनिंग सेंटर से मुझे निकल देगा, मेरा जॉब से मेरा सर्विस से क्या निकल देगा, घर भेज देगा? तो उसके ऊपर ये वीडियो, और ये वीडियो के अंत में आपको मालूम पड़ जाएगा इसका आंसर। उससे पहले सबके पास एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा जो खास करके दोस्त लोग हैं सबके पास, जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नया मेहमान के पास एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल वाला घंटी को बजा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, किसी का ट्रेनिंग सेंटर में टांग टूट सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में हर दिन बहुत सारा रनिंग करना पड़ता है। ऐसा आपको हर दिन ही लगभग 40 से 45 किलोमीटर आपको फिजिकल करना ही करना है, सुबह से लेकर शाम तक। दोस्तों, एक जगह से दूसरा जगह जब जाना होता है, जाने के लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ता है, और ग्रुप के साथ आपको दौड़ के जाना होता है, मतलब आपको पैदल नहीं चल सकते हो। ट्रेनिंग सेंटर में किसी भी जगह आप नहाने के लिए जा रहे हो, उधर भी आपको दौड़ के जाना है, आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो वो भी आपको भाग के ही जाना है। इसलिए आपको पूरा दिन ही भागते रहना ही है, आपका बॉडी हीट हो जाता है, कोई भी दिक्कत होता है उस टाइम आपको टांग टूट सकते हैं, हाथ टूट सकता है। दूसरी बात है, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, जिधर आपको पहाड़ में उठना है, पहाड़ से नीचे भी उतरना है। पकड़ लीजिए 20 किलोमीटर रनिंग है, 18 किलोमीटर रनिंग है, और उस रनिंग के टाइम आपके पीठ में आपका वेट भी है, आपका हथियार भी है, सब कुछ है। जब आप ऊपर से नीचे मतलब पहाड़ से ढलान की तरह जा रहे हो, तो आपका जो बॉडी वेट है और साथ साथ ग्रेविटी के कारण आपका बॉडी नीचे की ओर फोर्स होता है, मतलब रनिंग और तेज हो जाता है। और आपको भी मालूम है ये टाइम के अंदर ही मुझे जाना है, तो थोड़ा मौका मिल रहा है, थोड़ा और ज़्यादा भाग के जाता हूँ, तो इसी कारण किसी का टांग टूटता है। लगभग 100 के अंदर 2 से 3-4 बंदा का भी टांग टूटता है, हाथ भी टूटता है। तो दोस्तों, इस कैटेगरी का जो स्टूडेंट होता है उसको साथ क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वो ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है, वो एज ए फिट कैंडिडेट घर से गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग में होता है ऐसा, तो उसका तुरंत मेडिकल में लिया जाता है। इसके लिए दोस्तों, जहाँ पे रनिंग होता है उसके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस ऑलवेज जाता है, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। जहाँ पे वो 5 किलोमीटर रनिंग होगा, वो 10 किलोमीटर, वो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी रनिंग होगा, तो आपके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस जाएगा, पूरा टीम के पीछे पीछे। किसी का कोई दिक्कत होगा, किसी का सांस का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई और नहीं चल पा रहे, तो उसको तुरंत वो एम्बुलेंस में बैठा लेगा और उसको लेके चले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ट्रेनिंग सेंटर में जिस जिसका टांग टूटेगा, हाथ टूटे के बाद दूसरा कोई बीमारी होगा, उसको इलाज कराया जाएगा, ऑपरेशन कराया जाएगा, और करने के बाद मेडिकल फुल, जब तक ना वो फिट हो जाता है तब तक वो मेडिकल में ही रहेगा। उसके बाद उसको सडन छुट्टी चाहिए तो उसको घर भी भेज सकता है दोस्तों, कुछ रीज़न में घर ज़्यादातर भेजता है, जैसे किसी का पॉक्स वगैरह हो गया, ऐसा रीज़न में उसका तुरंत घर भेजा जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ रीज़न में हमारा जो ट्रेनिंग का और स्टूडेंट है उसमें ये जाम फैला सकते हैं, इसलिए उसको तुरंत घर में छुट्टी में भेज सकते हैं। छुट्टी नहीं मिलेगा तो उसका एक कमरा में बंद कर देता है, उधर ही रखता है, और उसको सेवा करने के लिए बहुत सारा और भी रिक्रूट रहता है, और उसको देखभाल भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बंदा फिट हो जाता है, डॉक्टर जॉब उसको फिर सर्टिफिकेट देता है, उसी टाइम उसको दूसरा जो ट्रेनिंग सेंटर, वो जिस वीक से फेल करके आ गया, लगभग उससे एक सप्ताह पीछे भी कर सकते हैं, उसी टाइम का कोई ट्रेनिंग सेंटर इंडिया के अंदर जहाँ पे हो रहा है उसको भेज देगा, और उसका जो बचा हुआ ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करेगा। दोस्तों, बचा हुआ ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ना आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, जब तक ना आप कस्टम पीरियड लोगे, तो आप एज ए रिक्रूट रहोगे, एज आम आदमी रहोगे। तो जब आपको सपोर्ट ग्रोन हो गया, जब कसम प्रियोट हो गया, तब आप आम आदमी से एक सोल्जर बन जाओगे। तो दोस्तों, फौजी में रहना है तो आपको सोल्जर
बन के ही रहना है, जवान बन के ही रहना है, इसलिए आपको जरूर कसम पीरियड लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, जरूर मेरा इस वीडियो को लाइक भी मिल गया। सब बढ़िया रहो, जय हिंद जय भारत।